गोंडा जिले के वरिष्ठ पत्रकार जानकी शरण द्विवेदी के पुत्र दीपक द्विवेदी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में अपना स्थान सुरक्षित करके जिले का नाम रोशन किया है। सोमवार की देर शाम घोषित नतीजों में नाम आने के बाद परिवार में उत्साह व खुशी का माहौल है। मेनौन के विधायक विनय द्विवेदी समेत अनेकों अधिकारियों और नेताओं ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। समृद्धि भारत सरकार के भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक खेल पद पर तैनात दीपक ने फोन पर बताया कि उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय नगर से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करके विलंबित भर्ती के माध्यम से रिक्त सीट पर जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया। वहां हाईस्कूल की परीक्षा में न केवल जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया अपितु विद्यालय की स्थापना काल के बाद से तब तक का सर्वोच्च अंक हासिल किया। स्काउट में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित दीपक को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जापान ईस्ट एशिया नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ प्रोग्राम के तहत शासकीय खर्च पर जापान भेजा। नवोदय से ही इंटरमीडिएट करने के बाद उनका चयन मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में हो गया। दीपक ने बताया कि बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही बस्ती जिले के युवक अनूप कुमार सिंह का चयन संघ लोक सेवा आयोग में होने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में गोंडा बुलाया गया था। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अनूप सिंह से मिलकर वो यूपीएससी के प्रति आकर्षित हुए। बीटेक करते ही उनका प्लेसमेंट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में हुआ, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा और त्यागपत्र देकर वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। सिविल सेवा की परीक्षा में उन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। आयोग द्वारा सोमवार को घोषित सीएससी 2021 परीक्षा के रिजल्ट लिस्ट में उन्होंने अपना स्थान सुरक्षित करते हुए जिले का नाम रोशन किया है।